हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम के अंदर 12 अक्टूबर को दोपहर के 1:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मनुका ओवल का जो मैदान है ना, वो बल्लेबाजी करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ के मिड विकेट बाउंड्रीज भी लंबी है, तो वैसे तो अच्छा ट्रैक होने वाला है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन बीच के ओवर्स में ना स्पिनर्स एक पार्ट प्ले कर सकते हैं इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में, जो कि पहला मुकाबला हार चुकी है और ये मुकाबला उनके लिए डू ऑर डाई होने वाला है। हालांकि एक टाइम पर लग रहा था ना कि टीम मुकाबला जीत सकती है, लेकिन एंड में टीम मुकाबला जीत नहीं पाए। इस मुकाबले में ना टीम में काफी सारे बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो उनके मेन बॉलर से इस मुकाबले में खेलेंगे, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा, ये चारों इस मुकाबले के अंदर वापसी करने वाले तो जरूर थे। एक बहुत ही अच्छी बात है गेंदबाजी के अंदर, और ग्लेन मैक्सवेल को भी इस मुकाबले के अंदर अपनी वापसी करने का मौका मिलेगा, तो जरूर से ये 5-3 तो पक्का होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस मुकाबले के लिए। जिस तरह से पिछले मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस ने वापसी करी ना, वो काफी कमाल की बात है। स्टोइनिस ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी पिछले मुकाबले के अंदर, और मेरे को मिचेल मार्श भी काफी डिसेंट फॉर्म में लगे। मिचेल मार्श नंबर 3 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। डेविड वॉर्नर का फॉर्म भी काफी शानदार है इस टीम के लिए, वो फिर एक बार कंटिन्यू करना चाहेंगे ओपन करते हुए। और टिम डेविड और मैथ्यू वेड जो है ना, इस टीम के लोअर को संभालने वाले, तो जरूर से ऑस्ट्रेलिया की टीम भले ही पिछला मुकाबला हार गई हो, पर काफी सारे पॉजिटिव है इस टीम के पास में। गेंदबाजी पूरी बदल जाएगी और ग्लेन मैक्सवेल भी आएंगे इस टीम के अंदर, तो जरूर से तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना स्ट्रांग ही होने वाली है। तो मुझे लगता है इस मुकाबले में चारों गेंदबाज तो आने वाले हैं, साथ ही में जो ग्लेन मैक्सवेल है ना, वो कैमरून ग्रीन को रिप्लेस करेंगे, और एरॉन फिंच फिर एक बार मिडिल ऑर्डर से आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं इस मुकाबले के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मुकाबले में ओपन कर सकते हैं एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर, नंबर 3 पर मिचेल मार्श, नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पे मार्कस स्टोइनिस, नंबर 6 पे टिम डेविड, नंबर 7 पे मैथ्यू वेड, फिर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, जॉश हेजलवुड, तो जरूर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया के पास में, और टीम इस मुकाबले में जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ इंग्लैंड की टीम के बारे में, जिनको पहले मुकाबले के अंदर एक बहुत ही अच्छी जीत मिली, और टीम इस मुकाबले के अंदर भी ना कंटिन्यू करना चाहेंगे। जिस तरह से एलेक्स हेल्स ने बल्लेबाजी करी ना पिछले मुकाबले में, वो बहुत ही कमाल की बात है। और वो थंडर के लिए खेलते बिग बैश लीग के अंदर, और मनुका ओवल उनका होम ग्राउंड है, इस वजह से इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड भी काफी शानदार है। इस मुकाबले के अंदर भी ना वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, देखते हैं वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। जॉस बटलर ने बहुत ही कमाल की वापसी करी पिछले मुकाबले में इंजरी के बाद, और वो भी उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, आने वाले टाइम के अंदर कुछ बहुत ही बड़ी पारी खेल सकती है। हालांकि इन दोनों के अलावा जो बल्लेबाजी थी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, इस मुकाबले में सर इंप्रूव करना चाहेंगे। डेविड मलांग को नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए, वो इतने नीचे बल्लेबाजी कर नहीं सकते, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम के लिए। लिविंगस्टन खेलने वाले नहीं है, तो बेन स्टोक्स, मोइन अली, हैरी ब्रूक, इन सभी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होने वाली है। गेंदबाजी के अंदर मार्क वुड एक बहुत ही बड़े प्लेयर इस टीम के, 150 ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, कंटिन्यू करना चाहेंगे। फ्री स्टॉपली का ऑप्शन है, क्रिस वोक्स का ऑप्शन है, स्पिन गेंदबाजी के अंदर फिर एक बार आदिल रशीद के ऊपर सभी की निगाह होने वाली है। तो इंग्लैंड के पास ही बहुत ही शानदार टीम है, और ये टीम इस मुकाबले को जीत करना सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। तो इंग्लैंड के लिए ओपन कर सकते हैं एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर, नंबर 3 के ऊपर आपके आएंगे इस मुकाबले में डेविड मलान, नंबर 4 पे बेन स्टोक्स, नंबर 5 पे हैरी ब्रूक, नंबर 6 पे मोइन अली, नंबर 7 पे सैम करन, फिर क्रिस वोक्स, आग साथ में आ जाते हैं आपके इस मुकाबले के अंदर मार्क वुड, आदिल रशीद और रीस टॉपली, तो जरूर से एक काफी डिसेंट टीम है इंग्लैंड के पास भी। आप कमेंट करके बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी ऑस्ट्रेलिया, वो टीम होगी इंग्लैंड, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली क्वेश्चन के ऊपर, तो जरूर से उम्मीद करता हूँ काफी क्लोज मुकाबला होने वाला है, लेकिन मेरी पिक रहेगी इस मुकाबले के अंदर ऑस्ट्रेलिया। मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीतेगी और इस सीरीज में वापसी करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।